हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मपुटो दिखाने वाला हूं और साथ ही साथ मेरी जो ट्रेजेडी हुई है पूजा के बर्थडे के दौरान, वो भी आप देखने वाले हैं। और ये जो फुटेज आप देख रहे हो, ये मेरे लास्ट वीडियो का है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हो, मपुटो को एक्सप्लोर कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक भी है जो कि आपको ढूंढ के मुझे कमेंट करनी है कि मैंने क्या की है। लेट्स बिगिन। देखा, ये छोटा छोटा मिलता है। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पे अभी बहुत जगह पे मिलता है। पहले नहीं मिलता था यहाँ पे, अब मिलता है सब जगह पे। मैं नहीं बताया। और ये दोस्तों स्टैंडर्ड बैंक है, लेकिन ये सबसे बड़ी बैंक नहीं है। और एक दूसरी स्टैंडर्ड बैंक है, बहुत बड़ी है भाई। कितनी बड़ी है? बहुत, यानी कि ये इतनी है और वो इतनी है। अच्छा। और ये क्या है? और ये पिंक वाला, ये है गैबिनेट सेंट्रल, गैबिनेट वाला बेस है। नहीं, ये और ये बिल्डिंग है। कौन सी बिल्डिंग है? नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ निगोसियो, जो मिनिस्टर ऑफ बिजनेस। ओके, और वो सामने वाला देखिए, यहाँ पे वो ब्रिज दिखाई दे। ये शिप जो है ना, ये कातेम जाती है, ये शिप कातेम जाती है। जो हम लोग कतम्बे, ये है स्टैंडर्ड बैंक सबसे बड़ा वाला। कितना बड़ा है देखा है? देखा है? और दोस्तों, आप सामने देख रहे हो, वो है आयरन हाउस। ये पूरे का पूरा आयरन से बना हुआ है, इसीलिए काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी जूना है। और सामने जो आप देख रहे हो, ये स्टैचू है शमोरा मशेल, अ फ्रीडम फाइटर ऑफ मोजाम्बिक। और इसी के बगल में आप देख सकते हो एक कैथेड्रल। और साथ ही साथ ये जो एरिया है, ये जो सर्कल है, इसे प्रासा दे इंडिपेंडेंस या कहा जाता है, यानी कि सर्कल ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि यहीं से मोजाम्बिक को इंडिपेंडेंस मिली थी और फर्स्ट स्पीच यहाँ पे ही बोली गई थी। अगर आप लोगों को यहाँ पे दुकान खोलने और ऐसी रैक वगैरह चाहिए, तो एक ये शॉप यहाँ पे मुझे देखी है, तो लगता है कि मिल जाए। कल है पूजा का बर्थडे और मैंने थोड़ा कुछ सोचा है कि उसके लिए कुछ सरप्राइज़ करेंगे, तो फिलहाल तो मैं जाके केक बुक कराया हूँ, लेकिन अभी मैं उसके लिए गिफ्ट ढूँढ रहा हूँ। 4-5 दुकान देख ली है, लेकिन कुछ ऐसा खास मिला नहीं है। तो यहाँ पे से गुजर रहा था, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को ये एक ब्यूटीफुल मस्जिद है, मैं आपको दिखा दूँ।
कई दुकानों में जाके आया, लेकिन अब तक मुझे कुछ ऐसा खास मिला नहीं है कि जो कि मुझे लगे कि पूजा को पसंद आएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बाया मॉल आया हूँ, देखता हूँ यहाँ पे अगर कोई अच्छा सा कुछ मिल जाए तो। लेकिन जैसे कि घर पे पता नहीं है उसे कि मैं जॉब पे नहीं हूँ और यहाँ पे ऐसे भटक रहा हूँ, तो फिलहाल मुझे लगी है भूख, तो घर से जो मैं टिफ़िन लेके आया हूँ वही टिफ़िन खाने जा रहा हूँ अभी। तो फिलहाल टिफ़िन खा लेता हूँ, फिर जाऊँगा नीचे, देखूँगा कि कुछ अच्छा सा मिल जाए। होप सो कि कुछ सच में अच्छा मिले, जिससे उससे सरप्राइज़ मिले, कुछ स्पेशल फील करा सको। तो मैं पहले खाना खा लेता हूँ, फिर मिलते हैं। बाया मॉल में दुकानें तो काफ़ी है, जैसे कि ये फैशन वर्ल्ड और ये आप जो पीछे देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि कहीं कहीं दुकानों में आपको क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है कंपेरेटिवली प्राइस के हिसाब से। जैसे कि ये जो पीछे आप दुकान देख रहे हो, यहाँ पे क्वालिटी अच्छी है और कुछ पसंद आए ऐसा भी कुछ शायद मिल जाए, लेकिन प्राइस इतनी हाई है, जैसे कि सिर्फ एक टी शर्ट ही 4,000-5,000 के है। तो इस हिसाब से मतलब कुछ मिसमैच हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, और कुछ अच्छी चीज़ मुझे मिल नहीं पा रही है। तो अभी भी मैं बाया मॉल में घूम रहा हूँ, कुछ शूज़ की दुकानें हैं, कुछ ज्वेलरीज की दुकानें भी है, तो सारी की सारी चेकआउट करने वाला हूँ जहाँ पे भी कुछ अच्छा मिले, ताकि मैं सरप्राइज़ कर पाऊँ पूजा को। देखते हैं मिलते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। दोस्तों ये नेक्स्ट डे है और आज है पूजा का बर्थडे, और आप लोगों को क्या बताओ यारो, पूरा दिन सुबह 11 बजे से लेके शाम को ऑलमोस्ट 5 बजे तक मैं घूमा, काफ़ी कुछ देखा, लेकिन यार कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि मैं पूजा को गिफ्ट दे सकूं। फिर क्या बोलूं यार, मेरा तो दिमाग ही सटक गया कि एक चीज़ ऐसी नहीं मिली जिससे ऐसा कुछ गिफ्ट लेके दे सकूं। तो अभी जो गिफ्ट है वो उधार रहेगा, जब भी पूजा कुछ मांगेगी तो उस दिन अपन गिफ्ट बर्थडे का देना दे देंगे, है कि नहीं। तो अभी हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। पूजा का केक रेडी है और ये रहा, फाइनली जैसे कि आपने देखा कुछ भी नहीं मिला, तो मैंने अपने हाथों से एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया है, बच्चों ने भी उसी तरीके से कार्ड्स बना के पूजा को गिफ्ट दे दिए हैं। और अब हम आ चुके हैं खाना खजाना करके जो होटल है यहाँ पे, इंडियन रेस्टोरेंट, हम लोग यहाँ पे आए हैं मस्त पर कि हम लोग ने खाना वगैरह खाया और एंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छी है। तो दोस्तों आखिरकार अभी दिन खत्म होने आया है और हम लोग ने मीठे से ख़त्म करने का सोचा, तो बच्चों के लिए भी सॉफ्टी और बड़ों के लिए भी सॉफ्टी आ चुकी है। और इसका ये फायदा है कि उसमें वो बर्फ नहीं रहती, इसलिए वो क्या गले के लिए अच्छा रहता है। हाँ, खराब नहीं होता, गला खराब नहीं होता। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको किसी भी रीज़न से अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। गुड बाय, टेक केयर, नमस्ते। मैं हूँ अमित चावड़ा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्ते। हेलो, उगड़ी जाना।